मेरा नाम संजय बड़वाल, हिमाचल ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी वो प्रदेश प्रवक्ता JCC। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर माह की 10 तारीख हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के जो HRTC के कर्मचारी हैं, जो दिन रात काम करते हैं, उनको अभी तक जो अक्टूबर माह की जो है वेतन नहीं मिला हुआ है। तो हमारा मैनेजमेंट से यही अनुरोध रहेगा कि हमारा जो निगम के कर्मचारी है वो पूछना चाहता है कि हमें वेतन कब मिलेगा अक्टूबर माह का, और इसके साथ साथ जो हमारा 32-33 महीनों का जो नाइट ओवरटाइम है, जो हमारे कर्मचारी साथियों ने दिन रात मेहनत की हुई है, उसका भुगतान कब किया जाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि हमारा जो नाइट ओवरटाइम है और इसके साथ जो हमारी सैलरी है वो हर महीने जो है देना सुनिश्चित करें, ताकि निगम के कर्मचारी जो है इनका मनोबल जो है किस प्रकार से कम ना हो। HRTC में हमारे 12,000 कर्मचारी हैं जो प्रदेश में हैं। हम इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और हम जो है बिल्कुल ड्यूटी दे रहे हैं और देते रहेंगे। जोगिंदर नगर से कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना सैलरी से अक्टूबर माह की जिन्हें सैलरी नहीं मिली और इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं? लगभग सभी कर्मचारी जो इलेक्शन ड्यूटी में है। कितने संख्या? लगभग 80 के करीब जो हमारे जो है चल प्रचालक जो है ड्यूटी, मतलब इलेक्शन ड्यूटी पे है और हम जो है बिल्कुल तैनात हैं। हम अपनी ड्यूटी जो है, हमें कहीं भी ड्यूटी लगाई जाए, हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मैनेजमेंट से ये मांग रही है कि कर्मचारियों को हर महीने पहली तारीख जो है उनकी सैलरी दी जाए और जो 20-22 तारीख को जो हमारा नाइट ओवर टाइम दिया जाता है उसको भी दिया जाए।